क्या साइंस कभी ऐसी भी कोई चीज बना सकती है जिसकी मदद से आदमी दिखाई ही ना दे? क्या मेकर्स चौंकाने वाले हैं मिस्टर इंडिया के फैंस को? क्या इस बार रोबोट्स की आर्मी से लड़ेंगे मिस्टर इंडिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीक्रैट स्टूडियोज में। सुपर हीरो, साईफाई, एक्शन, ड्रामा, कॉमेडी और पेट्रियोटिक जैसे मल्टीपल जॉनर को कवर करने वाली मिस्टर इंडिया बॉलीवुड इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल मूवीज में से एक है। अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के रिजेक्ट करने के बाद अनिल कपूर बाय चांस इस मूवी का पार्ट बन गए और अब बच्चा बच्चा उन्हें मिस्टर इंडिया के नाम से जानता है। लेकिन सुपरस्टार श्रीदेवी मूवी का पार्ट हमेशा से बनने वाली थी। जी हाँ, प्रोड्यूसर बोनी कपूर की फर्स्ट चॉइस थी श्रीदेवी। उन्होंने श्रीदेवी को 11 लाख रुपए में साइन किया था, जबकि वो हर मूवी के लिए उस समय सिर्फ 8.5 या 9 लाख ही डिमांड करती थी। ऐसे में आप समझ गए होंगे कि श्रीदेवी का कितना पावरफुल इम्पैक्ट था। अगर आपको मूवी याद है तो मूवी में श्रीदेवी का कोई रोल इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन श्रीदेवी का स्टारडम सब वाकिफ थे उससे। इसीलिए छोटे से छोटे किरदार के लिए भी हर कोई श्रीदेवी को अपनी मूवी का हिस्सा बनाना चाहता था। इसी वजह से खबरें आई थी कि लोगों ने मैगजीन में पब्लिश कर दिया था कि इस मूवी का नाम मिस इंडिया होना चाहिए था, क्योंकि मूवी में उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की थी। लेकिन तब तो वो सपना मिस इंडिया का पूरा नहीं हो पाया। अब मेकर्स के दिमाग में ये बात आ चुकी है कि क्यों ना इस बार मिस्टर इंडिया की जगह मिस इंडिया बनाई जाए। जी हाँ दोस्तों, मेकर्स ट्राई कर रहे हैं कि मूवी को फीमेल ओरिएंटेड बना सके, ताकि आज की कोई भी हीरोइन इस कहानी को आगे ले जा पाए। मिस्टर इंडिया प्रॉपरली खत्म हुई थी, इसलिए नई कहानी शुरू करने में इसे कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। हाँ, श्रीदेवी जी अब नहीं रही, लेकिन किसी होनहार एक्ट्रेस को ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर दिया जा सकता है। मेकर्स ये मौका जानवी कपूर को भी दे सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें जानवी की काबिलियत देखनी होगी। इसके अलावा बोनी कपूर जो कि मूवी के प्रोड्यूसर हैं, उन्हें काफी इल्जाम जैसे कि नेपोटिज्म तब का सामना करना पड़ सकता है जिसकी वजह से यह मूवी फ्लॉप ना हो जाए। इसलिए मेकर्स इसकी कास्टिंग अभी डिसाइड करेंगे अगर इस प्लॉट को आगे बढ़ाया जाता है तो। मूवी का नाम मिस्टर इंडिया 2 ही होगा, क्योंकि मेकर्स मूवी का सस्पेंस बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो इस फीमेल मिस्टर इंडिया के प्लॉट के लिए काफी उत्सुक है। श्रीदेवी को रिप्लेस कर पाना तो नामुमकिन है, लेकिन मेकर्स फिर भी बेस्ट ऑफ ऑल लेना चाहेंगे। मिस्टर इंडिया ओरिजिनल इंडिया के सुपर हीरो है, जिसके साथ ऑब्वियसली मेकर्स खेलना नहीं चाहते। अगर मूवी चल जाती है तो इसे आगे बढ़ाने के आगे के पार्ट्स बनाने के भी चांसेस रहते हैं। इसीलिए मेकर्स सारे ही डिसीजन बहुत ही ध्यान से लेंगे और मिस्टर इंडिया एक्चुअली में मिस है इसे राज ही रहने देंगे। मिस्टर इंडिया आप सभी को पता है जितनी फिक्शनल थी उतनी ही साइंटिफिक भी, इसीलिए मूवी में साइंटिफिक एंगल देना मेकर्स के लिए ऑकवर्ड नहीं होगा। जहां मोगैम्बो को मेकर्स रिक्रिएट तो करेंगे ही, लेकिन फिर भी इस बार मूवी ज्यादा साइंस ओरिएंटेड रहेगी, इतना कि मोगैम्बो की आर्मी हो सकती है रोबोट्स की। जी हाँ, जहाँ काफी मूवीज जैसे कि रोबोट और रावण इस चीज पर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं, वहीं मेकर्स इसमें भी ऐसा कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। मेकर्स को इसके लिए सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जहाँ रोबोट मूवी सक्सेसफुल हुई थी वहीं रावण का नतीजा हम सबको पता है। इसीलिए मेकर्स थोड़ा सा डर रहे हैं मूवी में ये पार्ट डालने के लिए, लेकिन फिर से घूम फिर के बात वहीं पे आ जाती है। खुद मिस्टर इंडिया का कॉन्सेप्ट भी तो अनयूजुअल है, और वैसे भी मेकर्स काफी एडवांस्ड VFX और एनिमेशन तो यूज करने ही वाले हैं, इसलिए मेकर्स ने चांस लेने का बोल्ड डिसीजन ले लिया है। अब इसे बड़े पर्दे पर कैसे उतारना है, कैसे मूवी को डिजास्टर नहीं बल्कि सुपरहिट सीक्वल के लिस्ट में पहुंचाना है, ये सब देखने वाली बात होगी, और ये भी कि कौन श्रीदेवी जी की कमी को बड़े पर्दे पर पूरा करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आज की स्क्रिप्ट लिखी है प्रतिमा रतवानी ने।